दोस्तों, अगर आप शाहिद कपूर की सीरीज़ फर्जी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फर्जी। ये फ़िल्म कौन सी है और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस फिल्म के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो किस OTT प्लेटफॉर्म पर या फिर किस सैटेलाइट चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा, इस पर भी मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही हम इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, फिल्मिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इस फिल्म की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और इस फिल्म की स्टोरी का एक छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा इस फिल्म के फैक्ट्स, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कौन से करेक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी जबान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मेनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मेनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्म बंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। आठ एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फनकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पासे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें मंसूर एक गैंगस्टर और माइकल एक पुलिस एहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर, सनी के जाली नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वज़ीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपनी साबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेघा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दर्शका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंड रक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है।
सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पाँचवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और उर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर मातों की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मंसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है। कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मंसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है।
जिन्होंने सीता मेनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मेनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्म बंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फनकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जालिपा से बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर एक गैंगस्टर और माइकल एक पुलिस एहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के ख़तरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज़ से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वज़ीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपनी सबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेघा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दर्शका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और अर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मनसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है, कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है।
माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बाज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मनसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मैनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्मबंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फ़नकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पासे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर एक गैंगस्टर और माइकल एक पुलिस एहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है।
दूसरी तरफ एक पुराजिम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है। तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर सनी के जैल नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वजीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपने ही सबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेघा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है। माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुँचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दंशका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है। मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पाँचवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और उर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मंसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है। कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदायक बनाने का सहरा देते हैं।
प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मंसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेथुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो कैटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मैनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्मबंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फनकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पासे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर, एक गैंगस्टर, और माइकल, एक पुलिस अहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज़ से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर, सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वज़ीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपने ही सबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कुन ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेगा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे।
मेगा की जाली नोट्स स्कैनर दर्शका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंड रक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और उर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपए का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मंसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है, कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मंसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है।
फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी जबान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मेनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मेनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्म बंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फनकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पासे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर एक गैंगस्टर और माइकल एक पुलिस एहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज़ से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वज़ीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपनी साबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेगा आरबीआई में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दर्शका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और अर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतज़ाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTE के मनसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है, कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से
लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने दस्तखत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवें एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतज़ाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मनसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो कैटान सोदा, सचिन जिगर और तांचिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मैनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्मबंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8x7 पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फ़नकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पासे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर एक गैंगस्टर और माइकल एक पुलिस अहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है।
इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज़ से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वज़ीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपने ही साबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेघा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर धनशका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और उर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मनसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है, कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तस्वीर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है।
सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फिल्म बंदी कर रहे थे। उन्होंने फिल्म बंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार ऋषि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्म बंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़न ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मनसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़न प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, ऋषि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मैनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मैनन, ऋषि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फिल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्म बंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8x7 पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फनकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पैसे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर, एक गैंगस्टर, और माइकल, एक पुलिस अहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज़ से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर, सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वज़ीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपनी सबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेगा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है।
माइकल की टीम में शामिल होती है वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर धनशका को गहलोत सिंह ने लॉन्च किया जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और उर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मनसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है, कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मनसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मनसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेत सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो
तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज के म्यूजिक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज को 10 फरवरी 2023 को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था और इसे हिंदी जबान में रिलीज किया गया था। इस सीरीज में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी जबान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मेनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मेनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्म बंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फनकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पासे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें मंसूर एक गैंगस्टर और माइकल एक पुलिस एहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वजीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपनी साबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेघा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेघा की जाली नोट स्कैनर दंशका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और अर्दन में अपनी लैब में 2,000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTC के मनसूबों की जासूसी करता है।
माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है, कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवें एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तस्वीर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मंसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेत सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मैनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्मबंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है।
फर्जी सनी के बारे में है। एक फनकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जालिपा से बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। उन्हें मंसूर एक गैंगस्टर और माइकल एक पुलिस एहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज ने 500 रुपए से जाली नोट छापने का फैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वजीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपनी सबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेघा आरबीआई में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है। माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दंशका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है। मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और उर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मनसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है। कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मनसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है।
फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फिल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फिल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फिल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मनसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मैनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्मबंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8x7 पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फनकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पासे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर, एक गैंगस्टर, और माइकल, एक पुलिस एहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज़ से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर, सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया।
माइकल ने वजीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपनी साबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेगा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुँचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दर्शका को गहलोत ने लॉन्च किया जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पाँचवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और उर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मंसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है, कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मंसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था।
जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मेनन, ऋषि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज़ किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मेनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मेनन, ऋषि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्म बंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फ़नकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पैसे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर, एक गैंगस्टर, और माइकल, एक पुलिस एहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज़ से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर, सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वज़ीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपने ही सबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेघा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दंशका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और अर्दन में अपनी लैब में 2,000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है।
बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मंसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है। कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मंसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेत सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मैनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ।
फिल्म बंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8-1-7 पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फनकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जालिपा से बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर एक गैंगस्टर और माइकल एक पुलिस एहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के ख़तरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज़ से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वज़ीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इन सालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपने ही साबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेगा आरबीआई में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दर्शका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और अर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTE के मनसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है, कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मनसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है।
मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मनसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मैनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्मबंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फ़नकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पासे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर एक गैंगस्टर और माइकल एक पुलिस एहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज़ से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है।
सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर सनी के जेल नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वजीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपनी साबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेघा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुँचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दंशका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पाँचवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और उर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मंसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपये के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मनसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है, कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मंसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की
केकी मैनन, रेजिना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेजोन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मैनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्म बंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फनकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पैसे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर, एक गैंगस्टर, और माइकल, एक पुलिस एहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज़ से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर, सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वज़ीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपने ही सबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कुन ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेघा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दंशका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है।
पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और उर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपए का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मंसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है। कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने दस्तखत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मंसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मैनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं।
इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फिल्म के तौर पर तब तस्वर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्म बंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फनकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जालिपा से बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर एक गैंगस्टर और माइकल एक पुलिस अहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपए से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज़ से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वज़ीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपनी सबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेगा आरबीआई में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दर्शका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और अर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTE के मनसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है, कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मनसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है।
ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मनसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मैनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्मबंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फ़नकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पासे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर एक गैंगस्टर और माइकल एक पुलिस अहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के खतरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है।
दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेघा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वजीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपने ही साबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेघा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है। माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुँचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दर्शका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव डिमेंशिया का शिकार है, मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और उर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपये का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मंसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है। कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तस्वीर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी।
इस सीरीज का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मंसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेठ सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहां पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। फर्जी 2023 के हिंदुस्तानी हिंदी ज़बान की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर टेलीविज़न सीरीज़ है, जिसमें जाली पैसे के बारे में तख्लीक, प्रोड्यूस और हदायतकारी की गई। राज एडडी ने इस फिल्म की हदायतकारी की है, जिन्होंने सीता मैनन और समन कुमार के साथ मिलकर सीरीज़ भी लिखी थी। इसमें शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, कीके मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा शामिल हैं। इब्तदाई तौर पर 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तब तसव्वुर इस फिल्म का किया गया था। फर्जी को 2019 तक एक टेलीविज़न सीरीज़ में बढ़ा दिया गया था। प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी का आगाज़ जुलाई 2021 में मुंबई में हुआ। फिल्म बंदी अलीबाग, गोवा, नेपाल और अर्दन में हुई थी। सचिन जिगर और तनशक बागची ने गाने तरतीब दिए हैं, जबकि केतन सोदा ने स्कोर को फराहम किया है। 8 एक साथ पर मुश्तमिल सीरीज़ 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जारी की गई थी। सीरीज़ इसी कायनात में दी फैमिली मैन के तौर पर तरतीब दी गई है। फर्जी सनी के बारे में है, एक फ़नकार जो अपने दादा के इनकलाबी प्रिंटिंग प्रेस को कारोबार में रखने में नाकाम रहने के बाद हिंदुस्तान में आमदनी के अदम मस्तावत से मायूस हो गया था। वो जाली पैसे बनाने के लिए अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला करता है। उन्हें मंसूर, एक गैंगस्टर, और माइकल, एक पुलिस एहलकार की तरफ से चैलेंज का सामना होता है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी एक गरीब फनकार है जो अपने बेहतरीन दोस्त फिरोज़ के साथ एक मिसाली प्रिंटिंग प्रेस चलाने में अपने दादा माधु की मदद करता है। परेशानी उस वक्त पैदा होती है जब उनका कारोबार दिवालिया होने के ख़तरे से दोचार हो। मायूस सनी और फिरोज़ ने 500 रुपये से जाली नोट छापने का फ़ैसला किया। इब्तदाई तौर पर नाकाम उनकी दूसरी कोशिश अदा करती है। दूसरी तरफ एक पुराज़िम अफसर माइकल नेपाल में अपने दुश्मन जैलसाज बादशाह मंसूर दलाल को पकड़ता है, तहम मंसूर फरार हो गया। बाद में मंसूर सनी और फिरोज़ को अगवा कर लेता है। दूसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में एक नौजवान सनी को उसके वालिद ने छोड़ दिया। वो एक लावारिस लड़के फिरोज़ से ट्रेन स्टेशन पर मिलता है और दोस्ती करता है। सनी के नाना माधव ने उसे और फिरोज़ दोनों को गोद लिया। मौजूदा दौर में सनी और फिरोज़ अपने दादा का कर्ज चुकाने के काबिल हैं। दूसरी तरफ मेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मिसाली अफसर, सनी के जाले नोट को देखती है, लेकिन उसके अलावा अफसर ने उसे संजीदगी से नहीं लिया। माइकल ने वज़ीर पवन गहलोत को ब्लैकमेल करते हुए जाली रकम की तहकीकात करने वाली टास्क फोर्स को कायम किया। तीसरी एपिसोड में हम देखते हैं कि माइकल ने जालसाजी और करेंसी फ्रॉड इंसालियन एंड रिसर्च टीम कायम की। ये एक टास्क फोर्स है जिसे गहलोत की मदद से चाहते हैं। वो अपने ही साबका बीवी रेखा और बेटे के साथ परेशान कर ताल्लुकात का इश्तराक करता है। मेगा RBI में अपनी मुलाजमत से मुतमिन नहीं है, माइकल की टीम में शामिल होती है। वो जल्द ही मुश्किल में पड़ जाती है जब वो माइकल से इनकार करके उस फनकार की छानबीन करती है जिसका जाली नोट उसे मिला था। वो तकरीबन उनके ऑपरेशन का पर्दा चाक कर देता है। दूसरी तरफ सनी और फिरोज़ को एक सियासतदान के लिए जाली रकम छुपाने के लिए रखा जाता है। वो खुद सूरत को 20 करोड़ की खेप पहुंचाते हैं। चौथी एपिसोड में हम देखते हैं कि रेखा ने माइकल को तलाक के कागजात भेजे। मेगा की जाली नोट स्कैनर दंशका को गहलोत ने लॉन्च किया, जिसका ख्याल है कि मीडिया की तवज्जो इलेक्शन जीतने में उनकी मदद करेगी। दूसरी तरफ माधव
डिमेंशिया का शिकार है। मंसूर दंडरक्षक की वजह से गिरफ्तारियों से परेशान है। सनी की फनकारी से मुतासिर होकर मंसूर उसे और फिरोज़ को अगवा कर लेता है और सनी को अपनी जुराइम की तंजीम के लिए काम करने की पेशकश करता है। पांचवी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर के लिए काम करना शुरू कर देता है और उर्दन में अपनी लैब में 2000 रुपए का जाली नोट तैयार करता है। मंसूर माधो की सर्जरी के अखराजात बर्दाश्त करता है। बांग्लादेश में मंसूर की मुर्गी बिलाल को माइकल और टीम ने पकड़ लिया। माइकल बिलाल को धमकी देता है और उसे मुखबर बना देता है। मुंबई वापस सनी को मंसूर ने दरअंदाजी को करने को कहा। वो मेगा के साथ मीटिंग करता है और उसका फ़ोन हैक करने का इंतजाम करता है। छठी एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मेगा के फ़ोन के ज़रिए CCFARTके मंसूबों की जासूसी करता है। माइकल बिलाल से मालूमात हासिल करता है और मंसूर की तंजीम में एक और छलका। दोनों तंजीमों के दरमियान बिल्ली और चूहे का खेल के बाद मंसूर ने भारत में 12,000 करोड़ रुपए के जाली नोट स्मगल करने के लिए ट्रोजन हार्स का मंसूबा तजवीज़ किया। एक रूसी कश्ती के हमले की मदद से सनी माइकल को धोखा देने का इंतजाम करता है। कामयाबी के साथ नकदी स्मगल करता है। सातवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ अपनी दौलत से लुत्फानंदोज होते हैं और आलीशान फ्लैटों में चले जाते हैं। सनी ने खुद को मेगा के लिए गिरते हुए पाया और अपने फ़ोन से ट्रैकर हटा दिया। मेगा को पता चला कि फनकार जाली नोटों में अपने 10 खत छोड़ रहा है। मंसूर मार्केट में जाली नकदी हासिल करने के लिए बेचैन है और सनी से फौरी कार्रवाई का एक ताकीद करता है। माइकल फनकार को लुभाने का मंसूबा बनाता है। आठवीं एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ तकरीबन पकड़े जाते हैं, लेकिन माइकल उनके चेहरे देखने का इंतजाम करता है। ताकुब के दौरान पुलिस से बचने के लिए सनी और फिरोज़ जाली नकदी को गलियों में बिखेर देते हैं। इससे नाराज़ होकर मंसूर उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता है, लेकिन सनी फरार होने के लिए अपने दोस्तों की मदद लेता है। मंसूर ने माधव के प्रिंटिंग प्रेस को आग लगा दी, बज़ाहिर उसे मार डाला। गुस्से में सनी हंगामा आराई पर चला जाता है। उसने मंसूर के बहुत से आदमियों को मार डाला और नकदी को आग लगा दी। मंसूर से वादा किया कि वो मजीद के लिए वापस आएंगे। इसी दौरान माइकल और रेखा में तलाक हो गई। मेगा सनी की शनाख्त से पर्दा उठाने के करीब है। फर्जी के बारे में अगर मजीद कुछ बात करें तो फर्जी को पहली बार राज एंड डी ने शाहिद कपूर और नवाजुद्दीन सदीकी के साथ 2014 में एक फ़िल्म के तौर पर तसव्वुर किया था। कृति सैनन साल के आखिर तक कास्ट में शामिल हुई। 2019 तक इसे कपूर के साथ एक टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर बढ़ा दिया गया। जनवरी 2021 में कपूर ने तस्दीक की कि रशि खन्ना ने इस प्रोजेक्ट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सितंबर 2021 में भुवन अरोड़ा ने कहा कि वो सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। राज और डीके ने विजय सेतुपति को एक हिस्से की पेशकश की जब वो चेन्नई में दी फैमिली मैन की फ़िल्मबंदी कर रहे थे। उन्होंने फ़िल्मबंदी के शुरू करने के 40 दिन बाद प्रोडक्शन में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने साथी अदाकार रशि खन्ना को, जिनके साथ वो पहले तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं, सेट पर उन्हें आरामदा बनाने का सहरा देते हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फिल्म सिटी मुंबई में जुलाई 2021 में शुरू हुई। फिल्मबंदी गोवा, अलीबाग, नेपाल और उर्दन में भी हुई। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। इस सीरीज़ का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान अमेज़ॉन ने 28 अप्रैल 2022 को कंपनी की तरफ से मंजूर शुदा 40 हिंदुस्तानी मनसूबों की नुमाइश के दौरान किया था। कपूर, सेतुपति, खन्ना की केकी मैनन, रेजेना कैसेंड्रा, जाकिर हुसैन, भुवन अरोड़ा, अमोल पालीकर और कुबरा सेत सभी को स्टार करने का ऐलान किया गया था। फर्जी का ट्रेलर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जबकि ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ हुई थी। फर्जी सीरीज़ को राज एंड डीके ने डायरेक्ट किया है, जबकि सीता मनन, सुमन कुमार और राज एंड डीके इस फिल्म के राइटर हैं। इस सीरीज़ की स्टार कास्ट में आपको शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, के मैनन, रशि खन्ना और भुवन अरोड़ा मेन किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म के अगर म्यूज़िक की बात करें तो केटान सोदा, सचिन जिगर और तांशिक बागची ने इस सीरीज़ के म्यूज़िक को कंपोज किया है। फर्जी सीरीज़ को 10 फरवरी 2023 को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज़ किया गया था और इसे हिंदी ज़बान में रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड देखने को मिल जाएंगी। इस सीरीज़ के अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इस सीरीज़ को IMDb पर 10 में से 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, जहाँ पर तकरीबन 19,000 लोगों ने अब तक इस सीरीज़ के लिए वोट किया है। तो दोस्तों, ये था फर्जी सीरीज़ का रिव्यू और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।